नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोरोना महामारी से कैसे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। उससे ही रिलेटेड अपना एक छोटा सा विचार आप सभी मित्रों के समक्ष में लाया हूं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ खास बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक लाइन बोलना चाहूँगा टॉपिक चालू होने से पहले। जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, तो ना माँ का तूने दूध पिया और बाप का तुझ में रक्त नहीं। कोरोना के इस काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वो आम आदमी का जनजीवन है। आज लोगों के एक्सपेंस यानी खर्चे इतने बढ़ गए हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी इतनी आ गई है और इनकम जीरो हो गया है। कारण कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। ज़्यादातर लोग शहरों पर निर्भर रहते थे, अपने कामों पे निर्भर रहते थे, लेकिन आज वो सभी बंद होने के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग ये सोचते हैं कि आगे उनका क्या होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि इस विषय पे बहुत सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कोई लोग बोलना नहीं चाहते हैं। जो लोग जनता के बल पे, जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, वो लोग आज जनता को भूल गए हैं। जनता के लिए सबसे बड़ा उसका सहयोगी होता है उनके लोग, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। अगर कहीं से गवर्नमेंट के द्वारा कोई फंड आपके लिए आता भी है, तो नीचे के दलाल लोग खा जाते हैं और वो चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाती है। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग गरीबों के नाम पे, गरीबों के दम पे आगे बढ़ते हैं, वो लोग गरीबों के नाम पे आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जिस गरीबों के नाम पे वो आगे बढ़ते हैं, जिस आम आदमी के नाम पे वो आगे बढ़ते हैं, वो आम आदमी आम ही रहता है और वो व्यक्ति खास बन जाता है, कब वो पता भी नहीं चलता। हम आप एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीते ही रहते हैं, और जो हमारे आपके नाम पे कि भाई गरीबों के लिए ये होना चाहिए, गरीबों के लिए वो होना चाहिए, वो गरीब से कब अमीर बन जाता है, कभी आपने ये सोचा है? कभी वो आप लोगों के बीच आम आदमी रहते रहते कभी उस अपना पहचान बना लेता है, क्या आपने कभी ये सोचा है? इस सब के लिए सोचना पड़ेगा। हम जो आम आदमी है, हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, परिवार की, बच्चों की, फैमिली की, जहाँ तक इसके कारण हम लोग कुछ बड़ा सोच नहीं पाते हैं। हम लोग का यही रहता है मिशन कि भाई हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए। मालूम है एक चीज़ है कि गरीबों को आवाज़ करने की हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्ग को आवाज़ करने की फुर्सत नहीं है, और अमीरों को ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारा समाज, हमारा देश नहीं बदल रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी स्थिति पर नियंत्रण नहीं आएंगे, ना आपका स्थिति सुधरेगा और ना आपका समाज सुधरेगा। और कोरोना के इस काल में जो आप लोग इन मजबूरी और इन दिक्कतों के साथ जी रहे हैं, ऐसा रहा तो बहुत सारी परेशानियों को आप लोगों को झेलना पड़ेगा। एक मच्छर जैसे आदमी को हिजड़ा बना देता है, वैसे ही एक रोटी हम आम इंसानों को मजबूर और कमजोर बना देता है। एक रोटी के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब जनजीवन सही भी रहेगा, हमारे समाज के लोग कुछ अगर आप आगे करना भी चाहेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, आपका हास्य प्रदान करेंगे। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि कृपया ऐसा ना करिए। मालूम है हमारा समाज केकरों का समूह बन गया है। साला एक आगे बढ़ता है तो दूसरा टांग पकड़ के खींचता है, ये नहीं सोचता कि एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को सपोर्ट करो। आज कोरोना के इस दौर में जो लोग सक्षम हैं, वो अगर ये सोच ले कि आम आदमी को, गरीबों को, जो उनके योग्य है, उनको मदद करो ताकि उनके जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन इधर तो सिस्टम ही उल्टा है। अगर वो कुछ मदद भी करते हैं तो उसके बदले 10-20 फोटो खींच लेते हैं ताकि उनका कहीं नाम हो। वो दान देने के लिए वहीं जाते हैं जहां उनको बेनिफिट हो, और यही रीजन है कि हमारे समाज में आज ये दुर्गति बनी हुई है। आज सभी लोग अपने लाइफ शेड्यूल से परेशान हैं, उनका सारा का सारा काम धंधा सब कुछ बंद हो गया है। आगे क्या करना है, नहीं करना है, बहुत सारी प्लानिंग है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो फ्लैट किस्तों पे ले लिए हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि उसका किस्त कहाँ से भरेंगे। जो आम आदमी है, जो समझिए मंदिरों पे लोग भीख मांग के गुजारा करते थे, जो फुटपाथ पे सो के गुजारा करते थे, आज उन लोगों का जीवन क्या हो गया है, कोई इनके लिए सोच रहा है? नहीं। मैं गवर्नमेंट से एक अनुरोध करूँगा कि आप सर प्लीज इन लोगों पे जो भी आप मदद कर रहे हैं,
तो आपके द्वारा अगर कुछ फंड आ भी रहा है तो उसको जांच निगरानी में आप सर इन लोगों को मदद कीजिए, तभी बेस्ट रहेगा, क्योंकि आम आदमी के लिए जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, और आप लोगों से, जो भी बड़े लोग, जो भी हृदयवान लोग होंगे, उन लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे लोग जिनको ज़रूरत हो उनको आप तहे दिल से बिना भेदभाव, बिना स्वार्थ, बिना लाभ के मदद कीजिए। कहा जाता है मानव सेवा परमो धर्म। हमारे समाज के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग नफरत ना फैलाकर एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में साथ आइए। और अगली बात मैं बोलना चाहूँगा कि देश में 8% लोग मिडिल क्लास के ऐसे हैं जो कि 30,000 से 60,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन आज के इस समय में उनका भी काम धाम बंद हो गया है, सारी कंपनियां बंद हो गई है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन कंपनियों को जो अपने वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम दे रही है, और थोड़ा सा धन्यवाद उनको भी कहूँगा जो कि कुछ पेमेंट कार्ड के जरिए कम से कम वो कुछ तो उनका चला रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेतन कट गया, लेकिन मैं फिर भी उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप उनसे तो बेहतर हो जिन्होंने अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉय को कंपनी से और अपने कारखानों से निकाल दिया है डायरेक्ट, कम से कम आप उससे तो बेस्ट हो। मालूम है एक आम आदमी का जीवन, हमारा जीवन, आपका जीवन ये ऐसा है कि हम एक सब्जी मार्केट में जाते हैं, अगर सब्जी भी खरीदने तो पूरा मार्केट चक्कर लगाते हैं, और जहाँ हमें सब्जी सस्ती मिलती है तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग रहता है कि हम पूरा चक्कर लगाने के बाद वहीं पे सब्जी खरीदते हैं जहां हमको सस्ता मिलता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास सब्जी खरीदने के भी लोगों के पास, हम लोगों के पास जो भी आम आदमी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सब्जी खरीदने को क्या, सब्जी देखने को भी तरस गए हैं। क्या इन लोगों के लिए कोई मसीहा नहीं? मैं गुजारिश करूंगा कि सर जो भी लोग हैं समाज के, सरकार के, सरकार की तरफ से जो भी फंड आ रहे हैं उनको आप आम आदमी तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो सुबह खाते थे और शाम के लिए सोचते थे, उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए सोचिए जो अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नियों के लिए ये सोचते थे कि भाई अभी मैं काम करके जाऊंगा तो शाम में उन लोगों के लिए भोजन होगा। तो आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और नफरत ना फैलाकर आपस में प्रेम बांटिए, यही कहना चाहूँगा। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले जब लोग गांव से शहर जाते थे अपने कामों को लेकर, वो इसलिए जाते थे कि समाज में वो अपना काम खुल के नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे समाज में जातिवाद कूट कूट के भरी हुई है। एक अकेला आदमी अगर काम करेगा, चार लोग खाएंगे, एक्सपेंस ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा, तो बचत क्या होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। इसके लिए वो अपने बच्चों को, अपने वाइफ को लेकर बाहर जाते थे कि भाई कम से कम दो जन कमाएंगे तो पूरा फैमिली अच्छे से चलेगा। बट आज के टाइम में वो लोग भी गांव जा रहे हैं, तो अब समझिए उन लोगों के जीवन यापन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, और समाज को बदलने से पहले पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। याद रखिए जनता जनार्दन सब कुछ होता है, एक आम आदमी, एक लोग बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान भी बोलते हैं कि अगर मनुष्य है तो ही भगवान है, इसीलिए सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख में एक दूसरे का भाईचारा बनकर हाथ मिलाकर आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।